Write the Java program to merge data from two files into a third file. तो आज में हम दो फाइल में का जो डाटा है वो थर्ड फाइल में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइल वन डॉट टी एक्स टी है और इसमें डाटा है ए बी 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 सी सी सी, ओके। देन आया हुआ सेकंड फाइल, देन नेम इज अ फाइल टू डॉट टी एक्स टी और इसमें डाटा है 1112233333। देन आया हुआ थर्ड फाइल, दैट इज फाइल नेम इज अ फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी और इसमें क्या करना है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, इन दोनों फाइल का डाटा क्या किस में ट्रांसफर करना है, दैट इज अ फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। उसे इस तरह से ए बी बी सी 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 1112233333, ओके। अब इस तरह से हमें क्या डाटा मर्ज करना है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी से इसमें फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ओके। तो देखिए इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, स्टेप्स टू मर्ज। फर्स्ट स्टेप करना है क्रिएट अ प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट फॉर फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, ओपन बफर रीडर फॉर फाइल वन डॉट टी एक्स टी, रन अ लूप टू कॉपी ईच लाइन ऑफ फाइल वन डॉट टी एक्स टी टू फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। क्या करना है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी में से ईच लाइन क्या करना है, कॉपी करना है और किसमें, फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी में। ओपन बफर रीडर फॉर फाइल टू डॉट टी एक्स टी, देन क्या करना है, हमें बफर रीडर किसके लिए ओपन करना है, फाइल टू डॉट टी एक्स टी के लिए। रन अ लूप टू कॉपी ईच लाइन ऑफ फाइल टू डॉट टी एक्स टी टू फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, हमें क्या करना है, लूप रन करना है जिससे ने क्या फाइल टू डॉट टी एक्स टी में से ईच लाइन कॉपी होकर किस में कॉपी होना चाहिए, फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज अ फ्लश प्रिंट राइटर स्ट्रीम एंड क्लोज रिसोर्सेज, प्रिंटर सिस्टम को क्या करना है, फ्लश करना है और जो भी हमने रिसोर्सेस ओपन किया है उसे क्या करना है, क्लोज करना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बताता हूँ, एडिट प्लस ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यह हमारा एडिट प्लस है, जिनमें यहाँ पे क्या कर लेते हो, फाइल न्यू जावा, क्लास नेम प्रोवाइड करता हूँ फाइल मर्ज, ओके। देन मेन मेथड में आते हैं और हमारा नहीं क्या प्रोग्राम ने क्या एक्सेप्शन राइज कर सकता है, करता है, इसलिए मैंने क्या हैंडल कर लेता हूँ, क्या थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ओके। प्रिंट राइटर, देखिए मैं प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट ओपन कर रहा हूँ, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट फॉर, इसलिए ऑब्जेक्ट फॉर फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ओके, फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर और यहाँ पे नहीं क्या मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, फाइल नेम, क्या फाइल नेम क्या है मेरा, फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, जिसमें नहीं क्या मुझे सभी डाटा फाइल टू और फाइल फाइल वन और फाइल टू का डाटा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ओके। फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी और सेंड, ओके। देन सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप करना है बफर रीडर ओपन करना है, किसके लिए, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, बफर स्टेप कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बफर रीडर ऑब्जेक्ट, ओके, फॉर क्या, फाइल वन, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या प्रोवाइड करता हूँ, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट, ओके, न्यू फाइल रीडर और यहाँ पे हमने क्या क्या फाइल नेम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ओके। तो इस तरह से हमने कर लिया, ओके। तो यहाँ पे ने क्या बफर रीडर के ऑब्जेक्ट में फाइल रीडर क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि बफर रीडर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता स्पेसिफाइड फाइल से, तो यहाँ पे हमने क्या फाइल रीडर को इंटरेक्ट करेगा फाइल वन डॉट टेक्स्ट और बफर रीडर ने क्या विद द हेल्प ऑफ फाइल रीडर बफर रीडर इंटर करेगा फाइल वन से, ओके। तो इस तरह से और हमारा बफर रीडर क्लास और प्रिंट राइटर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, जावा डॉट आईओ पैकेज में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट और यहाँ पे स्टार कोड, ठीक है। देन ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या करते हैं, तो मुझे क्या करना है, ये जो फाइल वन डॉट टी एक्स टी है ना, इसमें का डाटा क्या करना है, रीड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बफर रीडर के ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, रीड लाइन मेथड कॉल करना पड़ेगा, रीड लाइन, ओके। इस तरह से और रीड लाइन मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसे क्या पे होल्ड कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू लाइन, ओके। तो वन बाय वन उन्होंने क्या हमारा जो लाइन है, हाँ क्या लाइन या इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ओके। तो अभी क्या करेंगे, देखिए लूप टू कॉपी ईच लाइन, ठीक है, लूप टू कॉपी ईच लाइन ऑफ क्या फाइल वन डॉट टी एक्स टी टू फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ओके, टी एक्स टी।
ओके तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लूप फॉलो करता हूँ, व्हाइल लूप यहाँ पे यूज करता हूँ, व्हाइल लूप कब तक, जब तक लाइन इज नॉट इक्वल टू क्या नल, तब तक नहीं क्या हमारा लूप स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ये लाइन वेरिएबल कैसा है, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप, जब तक नहीं क्या वो फाइल वन डॉट टीएक्सटी में नहीं क्या लाइन नल नहीं होता तब तक नहीं हमारा लूप रन होता रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं, लूप कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंटर के ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करते हैं, प्रिंटलन मेथड कॉल करते हैं, और यहाँ पे क्या लाइन क्या प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से मतलब हमारा ने क्या जो फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी में, ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, हाँ कॉपी हो जाएगी फ्रॉम फाइल वन डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो बी आर डॉट रीड लाइन मेथड क्या करता है, रीड लाइन मेथड ने एक ही वन सिंगल लाइन क्या करता है, रीड करता है फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल। ओके, तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन के फाइल वन डॉट टीएक्सटी में से रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बी आर डॉट, हाँ फिर से हमें कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, लाइन इक्वल टू बी आर डॉट कौन सी, रीड लाइन मेथड कॉल करना पड़ेगा, रीड लाइन। ओके, तो फिर से रीड लाइन होगा, तो ये क्या बी आर डॉट रीड लाइन नेक्स्ट लाइन रन करेगा, रीड करेगा। ओके, तो रीड करेगा तो क्या हमारा प्रिंटर ने क्या, प्रिंटर ऑब्जेक्ट ने क्या हमारा फाइल डॉट टेक्स्ट में क्या करेगा, कॉपी कर देगा। जब तक ये लाइन वेरिएबल में नहीं क्या नल नहीं आता तब तक नहीं ये लूप रन होता रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा क्या, इस तरह से हमारा नहीं क्या फाइल वन का डाटा नहीं क्या किस में मर्ज हो जाएगा, फाइल थ्री में। तो देखिए सिमिलरली क्या करता हूँ, मैं बफर रीडर ओपन करता हूँ, किसके लिए बफर रीडर ओपन करना है, और फाइल टू डॉट टीएक्सटी। ओके, यहाँ पे नहीं क्या हमारे पास बफर रीडर बी आर कौन से टाइप का है, बफर रीडर यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ न्यू। ओके, और यहाँ पे हमें कौन सी फाइल प्रोवाइड करना है, फाइल टू डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे हमारा फाइल टू डॉट टीएक्सटी हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा नहीं क्या बफर रीडर कैसे इंटरेक्ट करेगा, फाइल टू डॉट टीएक्सटी। देन हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन वेरिएबल। ओके, लाइन वेरिएबल कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें क्या करेंगे हम बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन मेथड कॉल करेंगे, तो जो भी हमारा फाइल टू डॉट टेक्स्ट है ना उसमें का फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा और इस लाइन वेरिएबल में आ जाएगा। ओके, अभी ये जो लाइन रीड हो गया है फाइल टू डॉट टेक्स्ट में से वो किसमें कॉपी करना है, फाइल थ्री डॉट टेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, लूप लूप टू कॉपी, ठीक है, लूप टू कॉपी ईच लाइन ऑफ या फाइल थ्री फाइल टू डॉट टीएक्सटी टू फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी। ओके, हमें क्या करना है, जो फाइल टू डॉट टीएक्सटी में से ईच लाइन कॉपी करके किसमें करना है, फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी, इसलिए यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कैसे सिमिलरली जैसे अबव किया वैसे क्या, लाइन इज इक्वल टू लाइन इज नॉट इक्वल टू क्या नल, जब तक नहीं लाइन में नल नहीं आता तब तक नहीं लूप क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए इस तरह। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट पे से कौन सी मेथड कॉल करेगा, प्रिंट लाइन मेथड कॉल करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने क्या क्या लाइन प्रोवाइड कर देंगे, तो वो लाइन ने क्या हमारे इसमें फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो अभी तो सिंगल लाइन रीड किया था इसमें फाइल टू डॉट टीएक्सटी, फिर से हमें क्या लाइन नल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन इक्वल टू कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, बफर रीडर के ऑब्जेक्ट पे रीड लाइन मेथड कॉल करना पड़ेगा, रीड लाइन। ओके, इस तरह से हमने रीड लाइन मेथड कॉल कर दिया, हमारा नहीं क्या नेक्स्ट लाइन रीड होगा फॉर्म फाइल टू डॉट टीएक्सटी, अगर वो है तो नहीं क्या उस लाइन वेरिएबल में आ जाएगा, नहीं है तो क्या उस लाइन में क्या नल आ जाएगा, हाँ तो इस तरह हमारा नहीं क्या रन होता जाएगा, और सभी लाइन में क्या फॉर्म फाइल टू ने क्या फाइल टू डॉट टीएक्सटी में से सभी डाटा क्या हो जाएगा और फाइल थ्री डॉट टीएक्सटी में कॉपी हो जाएगा। ओके, तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्या फ्लश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्लश कर रहा हूँ, पी डब्ल्यू डॉट फ्लश मेथड कॉल किया प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी रिसोर्सेज जो ओपन किया है वो सभी रिसोर्सेज क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्लोजिंग रिसोर्सेज। ओके, तो कौन से रिसोर्सेज ओपन किया, हमने बफर रीडर ओपन किया था तो उसे क्लोज कर दिया, देन आई विल क्लोज द प्रिंट राइटर, ठीक है, प्रिंट राइटर भी क्लोज कर दिया। ओके, इस तरह से देन मैं क्या करता हूँ, एक ना क्या हमें मैसेज आना चाहिए कि ना क्या फाइल वन डॉट टी एक्स टी में से फाइल वन और फाइल टू डॉट टी एक्स टी में किसमें कॉपी हो गया है, मर्ज हो गया है फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी में। ओके, यहाँ पे देखिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम करेंगे मैसेज प्रोवाइड करेंगे मर्ज्ड फाइल वन डॉट टी एक्स टी एंड फाइल टू डॉट टी एक्स टी इंटू इसमें फाइल मर्ज हुआ है फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ठीक है, इस तरह से हमें ऐसे आना चाहिए कि मैंने क्या एस ओ पी कर दिया। ओके, तो अभी इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, फाइल सेव। ओके,
और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, फाइल मर्ज करके हम सेव कर देते विद द नेम ऑफ क्लास नेम, ठीक है, फाइल मर्ज एंड सेव। तो देखिए मैं आपको ने क्या फाइल वन और फाइल टू दोनों शो कर देता हूँ। ये हम यहाँ पर डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग में आ गया। देखिए यहाँ पे हमारा फाइल वन डॉट टी एक्स टी है, इसमें डाटा क्या है, ए बी 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 सी सी, और फाइल टू डॉट टी एक्स टी 1112233। इस तरह से मैंने के दोनों फाइल है। तो हमें यहाँ पे फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी नहीं है, वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं कमांड फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, कमांड फॉर्म, और यहाँ पे नहीं क्या डी ड्राइव हमारा वर्किंग डायरेक्टर में जाएंगे, फाइल हैंडलिंग, फिर नहीं क्या कंपाइल कर लेते प्रोग्राम को, जावा सी क्या फाइल मर्ज डॉट जावा, फाइल सक्सेसफुली, देन प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जावा फाइल मर्ज, ओके। तो क्या हमें यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, मर्ज फाइल वन डॉट टी एक्स टी एंड फाइल टू डॉट टी एक्स टी इंटू फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी, ओके। तो हमारा नहीं क्या डाटा क्या हो गया, हमें मैसेज आ गया है कि नहीं क्या हमारा फाइल वन और फाइल टू का डाटा नहीं क्या मर्ज हो गया फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। देखिए मैं आपको फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइल थ्री ने क्या क्रिएट हो गया है, लेकिन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइल वन और फाइल टू का डाटा क्या हो गया है, मर्ज हो गया इंटू द फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। इस तरह से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।